हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट फैन। जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके जरूर ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड, आज जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम आप पढ़ सकते हैं HLE ग्लासकोट। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का शेयर 3500 रुपए के आसपास था, तब से वीडियो बनती आ रही है और कई लोगों का पैसा डबल भी हो गया था। बट अभी मार्केट में प्रेशर है और स्टॉक लगातार नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कई बहुत लोगों की क्वेरी आ रही है, सर स्टॉक में क्या करें, SIP करेगी, होल्ड करे या सेल आउट करते। तो फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आप मार्केट में आते हैं तो कभी भी आप ये मत बोला करिए कि मैं स्टॉक बेच देता हूँ और बाद में नीचे लेवल पे बाय कर लूंगा। ऐसा बहुत बोलने में बहुत इजी लगता है, मगर आप करने जाएंगे प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा लॉस होते हुए देखने को मिल जाता है। बात करेंगे स्टॉक की, तो आज के दिन भी करीब 2-2.5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। तो मैंने पहले ही बताया था, मेरे जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि मैंने बोला था 5500 के नीचे स्टॉक आए तो SIP करना स्टार्ट कर देते। डेफिनेटली स्टॉक अभी आपको 5200 के आसपास देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, एक दो क्वांटिटी उठा सकते हैं, और भी अगर ये 5000 के नीचे आए तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें ज्यादा क्वांटिटी उठा सकते हैं। मतलब जिसकी जैसी कैपिटल है, जिसके पास जैसा स्टॉक है, जिसका जैसा पैसा है, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक आने के टाइम पे आपको बहुत ही ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे कंपनी की 5 दिन की परफॉर्मेंस, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं स्टॉक करीब 8.5% के आसपास टूटते हुए देखने को मिला। एक महीने की बात करें तो 1 महीने से पहले भी परेशान देखने को मिल रहे हैं, करीब 9% के आसपास टूटते हुए देखने को मिला। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब बोला जाए तो 23% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिए। बट 1 साल की बात करें तो स्टॉक वाले जिन्हें भी 1 साल का टाइम दिए, मतलब स्टॉक में अगर आप टाइम देते, पेशेंट कर दिखाते हैं, तो डेफिनेट स्टॉक आपको रिवॉर्ड जरूर देता है। देख सकते हैं स्टॉक 132% के पॉजिटिव रिटर्न अभी भी देके बैठा। तो स्टॉक की बात करें अगर चार्ट पैटर्न देखें 1 साल का, तो डेफिनेट स्टॉक बहुत तेज भागा था। उसके बाद अभी यहाँ पे देखा था एक बॉक्स के अंदर, मतलब ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, एक बॉक्स के अंदर मतलब कि कंपनी ने बहुत ही ज्यादा तेजी दिखाई थी, जिसके कारण बाद एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो एक अच्छी बात है कि अगर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो कोई डरने की बात नहीं है। स्टॉक का कंपनी का क्वार्टर फोर के रिजल्ट जब भी आएंगे, क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ सकते हैं 15 मई के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी की बात करें, कंपनी अच्छी कंपनी है, बिजनेस भी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करेंगे 5 साल की परफॉर्मेंस की, तो 5 साल वालों को कोई भी दिक्कत नहीं, वो तो मल्टीबैगर रिटर्न कमा के बैठे, करीब 2600% के आसपास के रिटर्न कमा चुके। बात करेंगे कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम भी देख सकते हैं कंपनी ने करीब 5700% के आसपास के रिटर्न कमा के दिए अपने शेयर होल्डर को। कंपनी बहुत ही अच्छे टॉप लेवल पे बैठी थी, उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कई लोगों ने टॉप लेवल पे भी लिया होगा, तो उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आप SIP कर सकते हैं और डरने की कोई भी जरूरत नहीं। जितने ज्यादा नीचे लेवल पे मिलेगा स्टॉक में, जितना प्रेशर बनेगा, तो आने वाले टाइम पे कमबैक भी बहुत तेज करता है। जब स्टॉक भागता है तो एक एक दिन में 20-20-30% भागता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब एक स्टॉक ने 15 दिन के अंदर आपका पैसा डबल कर दिया था। यही स्टॉक था इसके, मतलब कंपनी के 3500 रुपए के आसपास था, कंपनी का शेयर कब 6000 रुपए का क्रॉस कर गया था, मतलब कंपनी कई लोगों के पैसा 15 दिन के अंदर डबल हो गए थे। तो इसी टाइप से कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। कंपनी की बात करेंगे आज के दिन की परफॉर्मेंस की, तो 5350 पे ओपन हुआ था, हाई लगाया था 5525 का, लो बनाया था कंपनी ने 5222 का। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होता है, वॉलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी, मतलब कि अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिले। देख सकते हैं कि 3500 का स्टॉक 7500 तक जा चुका, वहां से अच्छी खासा प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो 5000 के भी नीचे जा चुका था। बट अभी कंपनी का अच्छा खासा कमबैक भी किया था, बट मार्केट में अभी भी प्रेशर होने के कारण स्टॉक, ये छोटे स्टॉक होते हैं थोड़ा टाइम लेता है भागने, बट जैसे ही इनके में पैसा आने लगता है तो डेफिनेट स्टॉक में बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिल जाती है। पी रेशियो की बात करें तो 140 का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करें तो 0.077 का देखने को मिला। कंपनी का 52 की हाइक की बात करें, वो भी आप देख सकते हैं 7.49 का, 52 लो की बात करें तो 2205 रुपए के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी क्या करती है इसके लिए भी जान लेते हैं। तो कंपनी की देख सकते हैं HLE ग्लासकोट लिमिटेड बिजनेस फाइन करती है, सेल्स ऑफ द ग्लास लिमिटेड इक्विपमेंट, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग इक्विपमेंट और वेरियस इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री में काम करती है। कंपनी इंडिया के बाहर भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी की बात करेंगे पीयर्स की, तो कंपनी देख सकते हैं अपने सेक्टर की 6वें नंबर की देखने को मिलती है। इससे बड़ी कंपनी थी GM फॉडलर, बट उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई थी, जिसके कारण स्टॉक में अभी तक भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक से आप दूर ही रह सकते हैं। GM फॉडलर के पास अगर जिसके पास स्टॉक पुराने टाइम से, वो होल्ड कर सकता है, नए लोग कोई भी एंट्री करने की मत सोचना। बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस लास्ट मार्च से अभी तक का बिजनेस कैसा चल रहा है, ये अपन को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो कंपनी का देख सकते हैं लास्ट मार्च में करीब 127 करोड़ का बिजनेस करती थी, फिर 112, फिर 110 और अभी की बात करें लास्ट क्वार्टर थ्री की तो करीब कंपनी ने 129 करोड़ का बिजनेस करते हुए देखने को मिला। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम होते हुए, मतलब 22%, 19% और अभी की बात करें तो 22% ही देखने को मिल रहा है। कंपेयर करेंगे लास्ट दिसंबर से, तो 10 दिसंबर में देख सकते हैं वही कंपनी करीब 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती थी।
सॉरी 25 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती थी ऑपरेटिंग। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट देख सकते पहले जो कंपनी 17 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़, 13 करोड़, और अभी भी कंपनी 17 करोड़ रुपये देखने को मिल रहा है। इसी कारण कंपनी का शेयर भी अभी फ्लैट परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी को अगर ये लेवल टूटता है 17, 18 करोड़, 19 करोड़ तक कंपनी का लेवल जाता है 20, तो डेफिनेट स्टॉक में तेजी आ सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं, कंपनी का डाटा 2010 से देखने को मिलेगा, बट कंपनी का मेन इंपॉर्टेंट है तो कंपनी का 2019 से अपन कवर करेंगे, जहां पर कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। तो कंपनी का देख सकते 2019 में कंपनी ने करीब 337 करोड़ का बिजनेस करी थी, फिर देख सकते 390 करोड़ पे 421 करोड़, अभी की बात करें 480 करोड़ के आसपास का कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मतलब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते जो कंपनी पहले 5 करोड़ पे देख सकते 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाती थी, फिर 38, फिर 52, और अभी की बात करें तो 62 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। कंपनी की बात करेंगे प्रोमोटर, तो प्रोमोटर ने बीच में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे माल उठाया था, करीब 74% के आसपास की होल्डिंग करी थी, उसके बाद देख सकते थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस स्टॉक में लगातार माल खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीएस की बात करें तो डीएस भी देख सकते ना के बराबर, मतलब 0.85, मतलब पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, अब तो फिर भी स्टॉक देखने को मिले। पब्लिक की बात करें 23% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा क्वेरी यही आती है कि सर स्टॉक में क्या करना चाहिए, सर मैं बहुत ज्यादा लॉस पे हूँ। तो डेफिनेट आपको स्टॉक में होल्ड करिए, धीरे धीरे स्टॉक में एसआईपी करते जाइए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 2023 तक इसका टारगेट रहेगा, 10,000 के ऊपर जा सकता है स्टॉक कंपनी का 2023 दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे कंपनी में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही कंपनी में तेजी आएगी तो डेफिनेट स्टॉक और भी तेजी लेवल तक जा सकता है। बट अगर किसी को वेट भी करना है तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो डेफिनेट क्वार्टर फोर तक आप इस स्टॉक में वेट कर लीजिए, और क्वार्टर फोर के नंबर अच्छे आते हैं तो डेफिनेट उसके अगले दिन भी ऐसा भी कर सकते हैं, और ये स्टॉक आपको और भी नीचे लेवल पे मिल सकता है अगर कंपनी के रिजल्ट थोड़े भी खराब आते हैं तो। तो डेफिनेट कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट तक आप 10-15 दिन और रुक जाइए, कंपनी के रिजल्ट आएंगे, मैं डेफिनेट इस पर वीडियो बनाने की बहुत बुरी कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दिए मेरे। प्लीज़ लाइक वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिए, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूले। वी मिल अंदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।